हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कार। इसमें सामने अपने हैं ऑल न्यू रेनो ट्राइबर 2024। रेनो ने अपने पूरे के पूरे लाइनअप में, मतलब क्विड, ट्राइबर, काइगर सब में 2024 में नए चेंजेस किए हैं। चेंजेस फीचर्स के भी हैं, चेंजेस कलर्स के भी हैं और चेंजेस हैं प्राइजेस के भी। भाई हमेशा की तरह जैसे प्राइस बढ़ते रहते थे ना, अब ऐसा नहीं हुआ, प्राइस हुए हैं कम। उसी का एक रिजल्ट है अपने सामने, ये है ट्राइबर का RXL वेरियंट। देख रहे हो ब्लैक कलर, बिल्कुल ब्लैक कलर लॉन्च हो चुका है। उसके साथ साथ 30,000 रुपये कम हो चुके हैं, वही पहले से 30,000 कम है। और ऐसा नहीं ब्लैक कलर को एक्स्ट्रा पैसे लेकर आपसे लिया जा रहा है, ना ना ना, सेम प्राइस में आपको मिलने वाला है। और उसके साथ साथ यही चेंजेस नहीं है, आपको इसमें अब रियर के AC वेंट्स भी मिल चुके हैं। बीच में डिसकंटिन्यू हो गए तो लोगों को बड़ा यानी ये हुआ कि यार पीछे के वेंट तो चाहिए, कंपनी ने वो भी डाल दिया है। एक एक करके सारे चेंजेस की बात करते हैं। सबसे पहले इसकी कीमत की बात आती है। कीमत है इसकी 6,80,000 रुपये, 6,80,000 रुपीज़ एक्स शोरूम, जो कि 30,000 रुपये कम हो चुकी है अपनी। और ऑन रोड की बात करें तो मैं उस समय रेनो हल्द्वानी पे, यहाँ पर ही आपको पड़ रही है ऑन रोड लगभग लगभग 7,80,000 रुपये की। अब 7,80,000 में आपको वो सारी चीज़ें मिल जा रही हैं जो आपको किसी भी एक MPV में, पारिवारिक गाड़ी में चाहिए। भाई सातों सीटें तो है ही हैं, छोटे छोटे जो फीचर होते हैं ना वो भी सारे के सारे हैं। सबसे पहले ब्लैक कलर में आप ये लुक देखो, इस वेरिएंट में आपको ग्रिल में कोई क्रोम नहीं मिलता और यही ब्लैक कलर के साथ स्पेशल चीज़ बन जा रही है। और आप देख रहे हो बीच में जो लोगो है और हेडलैम्प के अलावा कहीं भी आपको ब्लैक के अलावा क्रोम दिख ही नहीं रहा। बात करें हेडलैम्प की तो भाई बेस मॉडल से स्पेशलिटी रही है ये इसकी। यहाँ पर लो बीम के लिए आपको मिल जाता है प्रोजेक्टर और यहाँ देखें ये है हाई बीम के लिए, दोनों के दोनों हैलोजन है, यहाँ हो गया अपना इंडिकेटर। इस तरह से पूरा का पूरा लुक। चौड़ाई की बात करें मिल जाती है आपको 1739 mm की। फ्रंट लुक के बाद आ जाते हैं इसका साइड प्रोफाइल पे। साइड यहाँ से नहीं, इधर से दिखाते हैं, चमकता हुआ सा क्या बात है। यह है साइड प्रोफाइल, भाई 4 मीटर के अंदर है तभी इतनी इकोनॉमिकल है। लंबाई है 3995 mm। और बात करें इसके व्हील बेस की, अच्छी अच्छी गाड़ियों को भाई थका देता है ये, 2636 mm का आपको मिल जाता है इसमें व्हील बेस, जिसकी वजह से आपको प्रॉपर इंटीरियर स्पेस मिलता है। कैबिन में ही तो जगह चाहिए लोगों के बैठने के लिए। अब आप प्रोपोर्शन देखो इसके, यहाँ 30% का केवल इंजन बे है, बाकी पूरा का पूरा कैबिन स्पेस है, बहुत ज़बरदस्त इंटीरियर स्पेस है। यहाँ पर आ जाता है तो ये मिल जाते हैं आपको यहाँ पर टायर प्रोफाइल। देखते हैं तो 165/80R14 डिस्क ब्रेक आगे आपको मिल जा रही है, व्हील कवर साथ में ही है, पीछे अपने ड्रम ब्रेक, और केवल डिस्क ऐसे ही नहीं मिल जा रहे भाई, ABS CVT तो मिलता ही था। अब आपको इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल ESP वो भी मिल जा रहे हैं, फेंडर पर मिल जाता है आपको इंडिकेटर। और बात करें ORVM और डोर हैंडल की तो वो अनपेंटेड हैं, जब काले काले से दिखते हैं ना आपको, देख लो सामने ये ना व्हाइट कलर किस तरह से हाईलाइट हो रहे हैं यहाँ पर। लेकिन जब बात आती है ब्लैक कलर की तो ब्लैक कलर में भाई यही चीज़ घुल मिल जा रही है, बहुत बढ़िया प्रोफाइल मिल रही है पूरी की पूरी साइड से गाड़ी की। रूफ रेल की बात करें तो आपको यहाँ पर केवल स्पेस दिया हुआ है, इस वेरिएंट में आपको रूफ रेल नहीं मिल रही। लेकिन ऐसे ही नहीं है कि आप चिपका दोगे इसमें अगर लगवाते हो, आपको प्रॉपर इसमें नट बोल्ट मिलते हैं, आप शोरूम से ही खरीद के इसमें कसवा सकते हो। और वही 48 kg की आपको बेयरिंग कैपेसिटी भी मिलेगी, लोड रख सकते हो आप उस पर, ये चीज़ अच्छी है। आ जाते हैं बी पिलर पर, तो ये बॉडी कलर ही है क्योंकि बॉडी कलर ही ब्लैक है, तो भाई ब्लैक डाउट ही मिल रहा है। तो ये है पूरी की पूरी अपनी प्रोफाइल साइड से, मस्ती लगती हुई। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें वो मिल जाता है आपको 182 mm का, जो कि मोर देन सफिशियंट है। आते हैं पीछे की तरफ तो ये है रियर की प्रोफाइल, क्या बात है काले रंग में ये जो रेड कलर की लाइट्स है अलग ही निखरती हुई दिख रही हैं। बात करें यहाँ पर तो ये मिल रहा है आपको स्टॉप लैंप, सब कुछ हैलोजन ही है इसमें। स्टॉप लैंप जैसे ही हेडलैम्प ऑन करोगे तो यही जलेगा, ब्रेक दबाओगे तब भी यही तेज से जलेगा, ये हो गया इंडिकेटर। और यहाँ पर आ गया अपना रिवर्स लैम्प, ड्राइवर की बैजिंग बीच में मिल जाती है, साथ में हो गया रेनो का लोगो। अगर कैमरा देखते हैं तो कैमरा वगैरह इसमें नहीं मिल रहा, लेकिन इसमें म्यूज़िक प्लेयर मिल जाता है, सेकंड वेरिएंट है उसमें भी आपको म्यूज़िक प्लेयर वगैरह मिल रहा है, अच्छी चीज़ है। यहाँ पर आपको वही जो रेनो अब तक बताना चाहती है कि भाई कैंपिंग वैम्पिंग के लिए बहुत ज़बरदस्त गाड़ी है, क्योंकि स्पेस बहुत ज़्यादा मिलता है इसमें। यहाँ पर आ गया ऊपर हाई माउंट स्टॉप लैंप, और उसके साथ साथ नीचे 1, 2, 3 पॉइंट मिल रहा है रिवर्स पार्किंग सेंसर। तो ये है पूरी की पूरी कहानी पीछे से। और यहाँ पर आ जाता है फ्यूल फिलर कैप की तरफ। टैंक की बात करें तो टैंक की कैपेसिटी मिल जाती है इसमें आपको लगभग लगभग 40 लीटर की। चलो बाहर से कहानी करते हैं पूरी, दोबारा से बता रहा हूँ, 6,80,000 रुपये, 30,000 रुपये कम हो चुके हैं रेट, 7,10,000 से 6,80 पे आ चुका है। RXL है नया वाला 2024 वाला रेनो ट्राइबर का, फीचर भी बढ़ चुके हैं, अंदर जाके फीचर की भी बात कर रहे हैं, ब्लैक कलर इंट्रोड्यूस हो चुका है जो आपके सामने है ना, मस्त। ऑन रोड देख लेते हो तो हल्द्वानी में रेनो के शोरूम पे ये पड़ रही है 7,80,000 में ऑन रोड, मस्त। अब आई बात इंटीरियर की, इंटीरियर का अगर थीम की बात करें तो आपको पहले की तरह मिलेगी, ब्लैक के साथ बेज कलर, दोनों पावर विंडो हैं, उसके साथ जो मिरर हैं अपने वो हाथ से ही एडजस्ट करने हैं, मतलब इंटरनली हो जाएंगे। ये बहुत मिस करता हूँ अपनी, मैं फ्रॉन्क्स यूज़ कर रहा हूँ भाई, उसमें ये चीज़ है ही नहीं। ठीक, इस तरह से फोल्ड करोगे
और साथ में एडजस्ट कर लोगे। ओके रिपोर्ट। नीचे आपको बॉटल होल्डर मिल जा रहा है और स्पीकर ग्रिल, 1 2 3 4 चारों डोर में 4 स्पीकर मिल जा रहे हैं, क्योंकि आपको म्यूजिक प्लेयर मिल जा रहा है इस तरह से 2 इन वाला, ठीक है। आ जाते हैं सीट पे, तो सीट अपनी है इस तरह से, अंडर थाई सपोर्ट बहुत बढ़िया है, हाइट एडजस्टमेंट इसमें नहीं मिलता। बैठते हैं जरा यहाँ पर, क्या बात है, देखो कह रहा था ना अंडर थाई सपोर्ट, ये देखो पूरा का पूरा प्रॉपर बिल्कुल मेरे हिसाब से सेट। इसको किया बंद, तो ये है अंदर का लुक, कहीं भी आपको ग्लॉसी पैनल नहीं दिख रहे, वही 2 टोन में एक ब्लैक के साथ आपको इंटीरियर मिल जाता है बेज कलर का। चलो चाबी एक बार चाबी दिखा दूं पहले, है ना, चाबी है ये, सेंटर लॉक मिल रहा है आपको, ठीक है, ये लॉक उसके साथ यहाँ से अनलॉक, ठीक, एक बार चाबी लगाते हैं अब। तो ये पूरा का पूरा डिजिटल क्लस्टर आपको मिल जाता है। और बात करें, अच्छा अच्छा अच्छा, पहले देखो यहाँ पर केवल ये वाला सिंबल होता था हमारा सीट बेल्ट रिमाइंडर का, ये क्या है कि भाई आगे की ड्राइवर साइड और को ड्राइवर साइड में बसता था अगर कोई बैठा है सीट बेल्ट नहीं लगा रखी। अब यहाँ पर भी आपको सिंबल दिख रहा है, क्योंकि अब इसमें सबके लिए ही हो चुका है, जैसे आप बाकी कंपनियों में देख रहे हो तो यहाँ पर भी हो चुका है, बाकी सीट के लिए भी सीट बेल्ट रिमाइंडर दे दिया है, ठीक। बीच में आपको स्पीडोमीटर मिल जाता है डिजिटल फॉर्म में, यहाँ पर हो गई ट्रिप की डिटेल, और साथ में ये बटन दिया हुआ है, पुश करते हैं, ट्रिप भी ठीक है, इंस्टेंट माइलेज एवरेज, और साथ में जो रेंज है हमारी वो सब कुछ इसमें दिख जाता है। अच्छा हाँ, TPMS भी तो है, ये कैसे भूल रहा हूँ मैं, ये देखो ये रहा TPMS है। अब इसमें आपको कितनी किस टायर में वैल्यू वो नहीं दिखाएगा, लेकिन जब एक लिमिट से जो आप सेट कर दोगे उससे नीचे जाएगा तब यहाँ पर सिंबल आ जाएगा, ठीक। कोई भी एमरजेंसी में कभी टायर वायर पंचर होता है तो आपको पता लग जाएगा, ये चीज़ अच्छी है। अब एक बार क्या करें, स्टार्ट करते हैं, गाड़ी हो गई स्टार्ट, यहाँ पर आपको मिल जाता है डिजिटल फॉर्म में ही टैकोमीटर, और उसके साथ साथ ये है अपना इंजन का टेम्परेचर, ये हो गया पूरा का पूरा यहाँ पर फ्यूल गेज। ओके रिपोर्ट हो गई। अब आ जाते हैं यहाँ पर, 2 इन का आपको म्यूजिक प्लेयर मिल रहा है और ब्लूटूथ टेलीफोनी सब कुछ इसमें है। छोटी सी स्क्रीन में ही आपको गानों वानों के नाम आते रहेंगे, किसकी कॉल आ रही है, किसको कॉल जा रही है वो आता रहेगा, मतलब बेसिक सारे काम कर देता है ये, इस तरह से FM सब कुछ है, ठीक है। ओके भाई, और हाँ एक छोटी सी चीज़ जो आज तक मैं समझ नहीं पाया रहने वालों ने क्यों नहीं दी, भाई इंटरनेशनल मार्केट में ये अपना यहाँ पर होल्डर की तरह काम करता है, मतलब एक मोबाइल होल्डर है वो इस तरह से लग जाएगा, और साथ में यहाँ पर देखो USB दिख रही है ना, ये चार्जिंग के लिए है, फ़ोन चार्ज होता रहेगा और फ़ोन इस तरह से होल्ड होकर रहेगा यहाँ पर। दूसरी USB ये दे रखी है इसमें, कुछ भी ड्राइव वगैरह लगाने के लिए, लेकिन ये सिर्फ चार्जिंग के लिए है। लेकिन यहाँ पर ये यार, ये इस तरह से बेचारा कवर के अंदर ही रह जाता है, पता नहीं क्या करती है कंपनी, ये देना चाहिए एक्सेसरी में, है ना, मस्त जगह है, यहाँ पर लगा दो काम खत्म, ठीक। चलो ये हो गया यहाँ, बाकी ऑक्स के लिए ये जगह दे रखी है, नीचे फ़ोन रखने की जगह, और उससे ऊपर एक बार आते हैं तो ये हज़ार्ड का टिकटॉक, सेंटर लॉक करने के लिए हो गया, साथ में ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ पर ये बटन हो गया, देखो ESC ऑफ और ESC ऑन, ठीक। बाकी ये हो गए AC नॉब फ्रंट AC के, अभी क्यों कह रहा हूँ मैं ये चीज़, क्योंकि अब इसमें रियर AC भी आ चुका है। फ्रंट AC के लिए ये दे रखा है, मैनुअल कंट्रोल है, बाकी AC बहुत बढ़िया है इसका, टेंशन फ्री। ये फ़ोन रखने की जगह है, नीचे आ जाता है तो 12 वोल्ट का सॉकेट आपको दिया हुआ है, और बतेरी जगह, इसमें जगहें बहुत हैं। यहाँ पर हो गया 5 स्पीड का गियर बॉक्स, एक बार लगाते हैं रिवर्स गियर, टी 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 करता रहेगा क्योंकि पीछे गाड़ी है, इस तरह से आपको बता देंगे पीछे के सेंसर। उसके नीचे यहाँ पर हो गए 2 कप होल्डर, और साथ में इतनी बड़ी जगह, क्योंकि इसमें आर्मरेस्ट वगैरह नहीं है, इतनी बड़ी जगह दे रखी है, और बॉटल होल्डर की, ये देखो जरा है ना मस्त। और देखें यहाँ पर भी अल्टीमेट जगह, ऑर्गेनाइजर टाइप का दिया हुआ है। अब आपको होगा सनग्लास होल्डर का, तो भाई सनग्लास होल्डर ये दिया हुआ है आपको यहाँ पर, ठीक। बाकी और सिस्टम देखते हैं क्या क्या बचा, सब कुछ हो ही गया ऑलमोस्ट, हॉर्न नहीं देखा हमने, हॉर्न एक बार देखते हैं, 2 टोन में है PP का, और एयरबैग आपको यहाँ दिख जाता है, 1 2 2 ही आपको फ्रंटल इम्पैक्ट के लिए एयरबैग दिए हुए हैं। और अच्छा डे नाइट मैनुअली चेंज करने के लिए कोई भी बटन नहीं है, मतलब नॉर्मल आपको IRVM मिल जाता है, और लैंप अपना हो चुका है LED। अब जितने भी रेनो की गाड़ियां सब में आपको यहां पर LED ही लैंप मिल जाता है, पहले येलो कलर का आता था अच्छा नहीं लगता था। ये हो गया माइक, और उसके साथ साथ ये है टिकट होल्डर, और यहां पर अपना यहां पर कुछ नहीं है, ठीक है भाई। अब करते हैं यहां से पीछे को प्रस्थान, इसको कर देते हैं यहां से, अरे भूल गए ये, ठीक है टिल्ट है और टेलीस्कोपिक नहीं है। हेडलैम्प की बात करें तो ये मिल जाते हैं आपको मैनुअल, और वाइपर ये भी है अपने मैनुअल। स्टीयरिंग इसका बहुत लाइट है, ये देखो जरा एक उंगली करते हैं यूज़, ये देखो खड़ी गाड़ी पे मैं स्टीयरिंग घुमा रहा हूँ, लेकिन कितना लाइट है ना, ये चीज़ अच्छी है इसकी। और जैसे जैसे अपना स्पीड बढ़ती है वैसे वैसे ये हार्ड होता चला जाता है। चलो इसको करते हैं बंद और चलते हैं पीछे, अपने हिसाब से मेरे सेट है देखो, ठीक। ABC पैडल ये दिए हुए हैं, और अब दिखाता हूँ पीछे स्पेस,
ये बड़ा सा डोर, रीज़न है इतने बड़े डोर होने का क्योंकि यही डोर है जो आपको पीछे जाने के लिए जगह बनाएगा। अभी वहाँ भी जाते हैं, फिलहाल यहाँ पर आ जाते हैं। आपको फ्रंट की पावर विंडो मिल रही थी, पीछे आपको इस तरह से मैनुअली रोल डाउन करने के लिए मिल जाता है लीवर, बॉटल होल्डर है, स्पीकर ग्रिल है, स्पीकर भी है इसमें, जैसे बताया चार स्पीकर मिल जाते हैं आपको। आ जाते हैं सीट पर, तो देखो जरा लेग रूम कितना बड़ा मिल रहा है ना, अच्छी खासी सीट, दोनों के दोनों हेडरेस्ट जो हैं अपने एडजस्टेबल मिल जाते हैं। एक बार ज़रा इसमें बैठते हैं और फिर दिखाते हैं आपको यहाँ, ये देखो अंडर थाई सपोर्ट बढ़िया इस तरह से, और ये देखो जैसे बता रहा था रियर के लिए, ये शुरू हो गया अपना एसी, ये यहाँ पर मिडिल रो के लिए मिल रहा है आपको इस तरह से पिलर्स में, उधर भी और इधर भी, और साथ में थर्ड रो के लिए क्यों पीछे भी रो है, यहाँ पर भी आपको मिल जाते हैं वेंट, है ना, बहुत ज़रूरी है यार ये, सबको कम्फर्ट मिलना चाहिए ठीक। और अलग से कॉइल दी हुई है, केवल ऐसे हवा नहीं मार रहा, कॉइल है, अच्छी खासी ठंडी हवा आती है पीछे भी ठीक है। बाकी हम्प देखो, पैरों में ना दिक्कत हो यहाँ पर बीच में बैठने वाले को, हम्प बिल्कुल ना के बराबर है, कोई परेशानी नहीं, नी रूम लेग रूम बढ़िया। चलो ये हो गया पीछे का माहौल, अब आपको और पीछे का दिखाते हैं कैसे इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके। देखो अभी फ़िलहाल इतने ही स्पेस के साथ यहाँ पर देखो ये आपको स्पेस मिल जाता है, लेकिन आप कह रहे हो यार पीछे भी हमें ज़्यादा चाहिए स्पेस, यहाँ उतना नहीं चाहिए जितना मिल रहा है, तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। ये देखो ये अपनी हो गई है इस तरह से एडजस्ट, यहाँ की वहाँ की, भाई दोनों की दोनों आपकी 60-40 में मिलती हैं, उसको आप पूरा का पूरा टंबल भी कर सकते हो। देखो दिखाएं ये लो, मेन जो एंट्रेंस है पीछे जाने के लिए वो यही है, यहाँ पर आपको मिल जाता है इस तरह से स्लीवर को मोड़ा, और ये देखो पूरी टंबल हो गई, अब पीछे तमाम जगह मिल जाती है, ये पीछे भी दोनों 50-50 हैं, आप चाहो एक ही बंदा बिठाओ ये पूरी की पूरी निकाल भी दो, क्योंकि पूरी ही निकल जाती हैं जड़ से, चाहे दोनों सीटें निकाल दो चाहे एक निकालो एक फोल्ड करो, आपकी मर्जी है, तभी तो इतने सारे इसमें मॉडिफिकेशन दिए हुए हैं, अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हो ठीक। पीछे जाके इसको यहाँ से इस तरह से खड़ी कर लो, है ना, और ये वाली भी जो सीट है ये भी अपने आगे आ जाती है, देखो ये इस तरह से, अब पीछे तमाम स्पेस ही स्पेस है, है ना, बढ़िया। चलो इसको करते हैं बंद, अब आते हैं कहाँ, यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आपको बटन मिल जाता है यहाँ पर बूट खोलने के लिए, और अभी जब सारी सीटें खड़ी हुई हैं तब अपन को स्पेस मिल रहा है इसमें 84 लीटर का, जो कि काफ़ी कम है, मतलब छोटे छोटे से बैग जो हैं वो आप सॉफ्ट बैग इसमें रख सकते हो, लेकिन मेन जो इसकी ताकत है वो है ये, आप इसको यहाँ से फोल्ड कर दो, चाहे आप इस सीट को निकाल के एक तरफ कर दो, देखो है ना बढ़िया चीज़, ये एक ही हाथ से अभी मैं कर रहा हूँ, इसको निकाल दिया और साथ में इसको यहाँ से खींचो और इसको भी निकाल दो यार ये चीज़ बहुत बढ़िया लगी थी मुझे शुरुआत से ठीक है, चाहे इसे घर पे रख दो चाहे इसको यहाँ पर ही फोल्ड कर दो, देखो ऐसे करके फोल्ड हो जाती है ये, है ना बढ़िया, पूरा फ्लोर से ही आपको स्पेस मिल जाता है ज़बरदस्त वाला। तो ये है इसमें सिस्टम, और अगर स्पेयर व्हील की बात करें वो आपको मिल जाता है नीचे यहाँ पर लटका हुआ, जब बड़ी इनोवा वगैरह में मिलता है ना वैसे ही, इसको रखा है यहाँ, अब कर देते हैं इसको बंद, अरे ये हाँ ठीक। अब आते हैं कहाँ, इंजन बे की तरफ, ये रहा अपना, हाँ ये है अपना यहाँ पर 1.0 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन, पावर की बात करें मिल जाती है आपको 71 BHP की, वहीं टॉर्क की बात करें वो मिल जाता है आपको 96 Nm का, माइलेज पहले से इंप्रूव हुई है 19 KMPL, मतलब अच्छी खासी बड़ी गाड़ी है भाई, 7 सीटर है, दो दो AC यूनिट लग रही है, उसके बाद भी 19 KMPL आपको यहाँ पर कंपनी प्रॉमिस कर देती है। और यहाँ पर देखते हैं जो मैं आपको बता रहा था ABS, EBD, ESP, ट्रैक्शन कंट्रोल, वो यूनिट आपको वहाँ मिल जाती है। तो यह है पूरा नेट एंड क्लीन सेटअप, और शांति बनाए रखने के लिए यहाँ पर भी आपको कपड़ा वपड़ा दिया हुआ है, इसको करते हैं बंद ठीक। तो ये है नई वाली 2024 रेनो ट्राइबर का RX-L वेरिएंट, चेंजेस क्या क्या हुए हैं, सबसे पहले जो आप कलर देख रहे हो इसमें ये ब्लैक कलर वो मिल जाता है आपको, उसके साथ 30,000 रुपये कम हुए हैं, 680,000 रुपये कीमत है अब इसकी एक्स शोरूम, मैं हूँ इस समय रेनो हल्द्वानी पे, यहाँ पर ही आपको पड़ रही है 7,80,000 रुपये की ऑन रोड ठीक, उसके अलावा कुछ नहीं देना आपको। फीचर जो लिमिटेड आपको चाहिए जैसे सेंटर लॉकिंग हुई, म्यूज़िक प्लेयर हो, वो आपको मिल जा रहे हैं। सबसे बढ़िया चीज़ अब इसमें आपको जो पीछे का AC वेंट है वो भी मिल जा रहा है। और कुछ लोग कहेंगे यार हमें सामान रखने के लिए ऊपर रूफ रेल नहीं मिल रही, तो यार ये कंपनी ने बहुत बढ़िया सिस्टम करा हुआ है कि आपको यहाँ पर, कई कंपनी हैं वो सिर्फ चिपकाने का ही सिस्टम देती है, अगर नहीं दे रखी तो नहीं दे रखी, लेकिन इन्होंने यहाँ पर नट बोल्ट दे रखे हैं, आप खरीदो ओरिजिनल ही खरीदो, मैं ये सलाह दूंगा ओरिजिनल खरीदो और यहीं पर ही फिट करा लो नट बोल्ट, बढ़िया पूरी की पूरी प्रॉपर गाड़ी आपकी तैयार है।
RXL वेरिएंट 2024 रेनो ट्राइबर का कैसा लगा आपको बताना ज़रूर। और सेफ्टी की बात कर लोगे, अगर पूछोगे कि भाई सेफ्टी एफ्टी तो बता दो, तो 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग इसको मिल चुकी है। सारी कहानी खत्म हो जाते हैं, सारे डाउट खत्म हो जाते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा बताना जरूर। आपको वीडियो चलाओ, गाड़ी चलो तो प्लीज लाइक करना, वीडियो को शेयर करना अपने दोस्त का, सब्सक्राइब करना संस्कार चैनल को। जय हिंद।